हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। तो जस्ट मेरे को लगा कि अपना एक विजन बता देता हूँ कि इस चैनल क्यों क्रिएट किया गया है। ऑलरेडी गेट अकेडमी का चैनल था, गेट अकेडमी प्लस का चैनल था, तो क्यों एक इंडिविजुअल मेरे नाम से चैनल क्रिएट किया गया। तो ऐसा मैं आप देखते होंगे कि मैं बहुत सारे नॉन टेक्निकल बात करते रहता हूँ, आपके डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करता हूँ, स्टूडेंट लोगों की जो प्रॉब्लम्स रहती है उस पर बात करता हूँ, जो भी लगता है मेरे को कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और मेरे को लगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोग अप्रिसिएट भी करते हैं, आप लोग लाइक भी करते हैं, तो मेरे को लगा कि गेट अकेडमी या गेट अकेडमी प्लस चैनल पर मैं नॉन टेक्निकल ज़्यादा बात करूँगा तो इज़ नॉट गुड। तो मेरे को लगता है कि मेरे पर्सनल एक तो पॉइंट्स हैं, पर्सनल मेरे व्यू है, तो मेरे पर्सनल व्यू मेरे पर्सनल ही रहना चाहिए, क्योंकि गेट अकेडमी एक बिग चैनल है, वहाँ पे सब लोग अलग, इतने सारे लोग टेक्निकल स्टडी करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा हट के डिफरेंट बात करना चाहिए। और इस चैनल का वो पूरा का पूरा तो इंजीनियर्स के लिए चैनल है, गेट अकेडमी या गेट अकेडमी प्लस है, बट इस चैनल को मैं चाहता था कि ये पूरे के पूरे सोसाइटी, पूरे के पूरे पब्लिक के लिए हो। इस चैनल पे मैं डिफरेंट इशू के बारे में बात करूँगा, मेरे को जो लगता है कि जो सोशल बहुत सारे इशूज़ है जिस पे बात तो होना चाहिए, कुछ पॉलिटिक्स इशू पे भी बात करूँगा जिस पे बात मेरे को लगता है कि मेरे को रखना चाहिए कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को किन किन पॉइंट्स को केयर करना चाहिए जो कि नहीं करती है गवर्नमेंट, जो कि हम लोग की सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अपने पॉइंट्स तो रखूंगा, मोटिवेट करूंगा, इंजीनियर जितने लोग हैं वो लोग तो रहना ही चाहिए, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस चैनल को जो सब्सक्राइबर लोग हैं वो लोग तो, जितने भी गेट अकेडमी प्लस वाले लोग हैं वो लोग तो इसमें आ ही जाएंगे, और जो लोग भी मेरे नॉन टेक्निकल चीज़ों को फॉलो करते हैं वो लोग बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा, वन वीक में एक आधी वीडियो देते रहूँगा, गुड कंटेंट्स में मैं बात करूँगा कि जैसे आपके लाइफ के रिस्पेक्ट में आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होना चाहिए, आपके लाइफ का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, या आपका कमिटमेंट कैसा होना चाहिए अपने गोल के रिस्पेक्ट में, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, या आपको क्यों लगता है कि आपकी लाइफ दूसरे लोगों से बेटर नहीं है, क्यों आप दूसरे लोगों की लाइफ को सोशल मीडिया में देख के सोचते हो कि वो बहुत हैप्पी है, क्यों आपको समझ नहीं आता है कि इंटरनल हैप्पीनेस क्या होता है और आर्टिफिशियल हैप्पीनेस क्या होता है। तो लगभग 37 मेरा जस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस इतने सालों में पढ़ा के 2004 से 2019 जस्ट चल रहा है, तो 15 ईयर्स का भी मेरे टीचिंग का एक्सपीरियंस हो गया, तो इतने लोगों से मैं मिला हूँ, इतने स्टूडेंट लोगों से मिला हूँ, इतने जब लोगों से मिलता हूँ तो लोगों से बात करता हूँ, लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता हूँ, तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी ऐसी बात है जो रख सकता हूँ और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, जिन लोगों की बात को कोई समझता नहीं है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग की उनके माइंड में कोई बात है जिस बात को वो रखना चाहते हैं, लेकिन उस बात को कोई समझेगा कैसे, पेरेंट्स नहीं समझ रहे। तो मैं इस चैनल पर मैं लगभग ट्राई करूँगा कि मैं प्ले स्कूल से लेके ऊपर अपर टॉप लेवल तक मैं बात कर सकूँ, डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट जो वर्जन है उस पर मैं बात कर सकूँ, डिफरेंट जो सक्सेसफुल लोग हैं डिफरेंट फील्ड के, उन लोगों के इंटरव्यूज कुछ ले सकूँ, उनसे मैं बात करूँगा। तो ये चैनल सिर्फ टेक्निकल चैनल से रिलेटेड नहीं होगा या ओनली फॉर इंजीनियर्स नहीं होगा, सभी के लिए होगा, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी बीए कर रहा हो, कोई भी यूपीएससी का स्टूडेंट्स हो, अपन सब लोगों के लिए बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में मैं हैंडल करना चाहता था, क्योंकि वहां पे अगर मैं किसी 11 12th वाले के बारे में बात करता तो इज नॉट गुड गेट अकेडमी चैनल पे। तो मेरे को लगा कि मैं 11 12th वाले के बारे में बात कर सकता हूं, क्योंकि उनको बहुत नीड होती है कि 10th के बाद वो क्या ले। एक पेरेंट्स बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, या फिर पेरेंट्स चाहते हैं कि जो जो चीज मैं लाइफ में नहीं किया हूं तो वो बच्चे से करवाना चाहते, तो कई बार पेरेंट्स लोग मतलब एक क्लास वन क्लास टू के बच्चे पे बहुत फोर्स डालते हैं कि उसको पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैं देख पाता हूँ कि उन पॉइंट्स पे भी मेरे को रखना है बात रखना चाहिए। जो प्ले स्कूल वगैरह में जो फेमस स्कूल है, जिन लोगों को बच्चों का अच्छा आइडिया है, जो लोग उनकी मेंटेलिटी को समझते हैं छोटे बच्चे की, उन लोगों के भी इंटरव्यूज रखूँगा जिन लोगों को मैं जानता हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए ये जो न्यू चैनल जो मैं क्रिएट किया हूँ, इससे सोसाइटी को हेल्प मिल सके, मेरे जितने स्टूडेंट्स लोग हैं उनको हेल्प मिल सके, मैं पेरेंट्स लोगों के बारे में भी बात करूँगा, मैं ओवरऑल एक मान लीजिए कि हम लोग जितने भी सोसाइटी के डिफरेंट जो सेगमेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी आज की डेट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, या कुछ सेंसिटिव जो इशू है उसके बारे में भी कोई बात, नॉर्मली लोग अपनी बात नहीं रखना चाहते क्योंकि बड़ा आसान नहीं होता है,
क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे हमको सोच के बात करना होता है, कई बार हम डिफरेंट एंगल चेंज नहीं कर सकते, तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, तो मैं अपनी चीज़ों को इन्जॉय करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी बात रखना चाहिए, फ्रीली रखना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को मैं ऐड करूँगा, बहुत सारे जो प्रोफेसर लोग हैं उनको ऐड करूँगा अपने पॉइंट्स रखने के लिए, क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो मेरे को लगता है उन लोगों के पास बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, उन लोगों के पास बहुत गुड माइंड है, वो लोग बहुत पास से देखते हैं सोसाइटी को, उन लोगों को बहुत अच्छा एक आइडिया है कि टेंथ के बाद वाले बच्चे का कैसा होना चाहिए, 11-12 के बाद बच्चे जो लोग प्रिपरेशन करते हैं IIT की या मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं उनका माइंड सेटअप कैसा होता है, तो वैरायटी ऑफ थिंग्स है जिन लोगों को मैं एक जगह पे लेके आना चाहता हूँ, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मैं चाहता हूँ कि सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाऊं, तो मैं जब चैनल जब सर्च करता हूं, तो सब मोटिवेशन तो मेरे को बहुत सारे चैनल मिलते हैं, इतने सारे लोग मोटिवेट करते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी सर वो इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, मैं उनका खुद फैन हूं, और भी 2-3-4 लोग हैं जो अच्छा मोटिवेट करते हैं, तो मैं इस चैनल को सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं बनाया हूं कि सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करूं, वो तो मैं करूंगा ही, वो तो मैं बात करते रहता हूं कि किसी को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, किसी को डीमोटिवेशन वाले पार्ट को कैसे अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को कैसे कैरी करना चाहिए, एक लाइफ के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी बात करूंगा कि सब लोगों को लगता है कि मैं अच्छा खासा सक्सेसफुल पर्सन हूं, तो मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं हर साल बहुत सारे प्लान करता हूं, उसमें से कुछ ही प्लान मेरे सक्सेसफुल होते हैं और मैक्सिमम फेलियर होते हैं, उसके बाद भी लोगों को तो सिर्फ वही दिखता है जो सक्सेस होता है, तो मैं वो सभी बात करूंगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं कई जगह पे फेलियर रहा हूं लाइफ के रिस्पेक्ट में, कि उस वे में चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन वो किसी को आइडिया नहीं है कि मैं किन किन चीज़ों में फेल हुआ हूँ, मैं भी मिस्टेक करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मिस्टेक नहीं करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मिनिमम मिस्टेक करूँ, लेकिन मैं भी ह्यूमन बीइंग होता हूँ, मेरे को भी लगता है कि मैं भी कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ इतने सारे लोग मेरे को लाइक करते हैं, तो कई बार इतना आसान नहीं होता है, तो मैं भी मिस्टेक करता हूँ, ऐसा मेरे को लगता है, तो मैं देखूंगा कि जिन जिन पॉइंट्स पे भी बात कर सकता हूँ मैं बात करूंगा, मैं जेन्युइन अपने अपने पॉइंट्स रखूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि जितना जेन्युइननेस हो सके उतनी बात की जाए, हो सकता है किसी कुछ लोगों को अच्छी लगे कुछ लोगों को ना लगे, तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल में आप वही लोग फॉलो करें जो लोग मेरे को उस वे में लाइक करते, मेरी बातों को लाइक करते, क्योंकि सब लोगों के लाइक करने का तरीका अलग अलग होता है, लोग अलग अलग लोगों को अलग अलग लाइक करते, तो जो लोग भी मेरे को उस वे में लेते हैं और जिन लोगों को लगता है कि उनके लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है मेरे से, वो लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करें, इस चीज़ को स्प्रेड करें, मैं चाहता हूँ कि ये जो चैनल है ये, क्योंकि आप लोग इतना मेरे को जो लोग जानते हो तो अपने फ्रेंड लोगों से शेयर करें, क्योंकि मैं ये सभी के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, अब ये सिर्फ एक कॉमन एक इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए चैनल है, तो अपने फैमिली में शेयर करें, जब आपको लगे कंटेंट्स, अभी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको लगे कि आपको अच्छा कंटेंट्स मिल रहा है, आपको लगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके छोटे ब्रदर के काम की है, आपको लगे कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आपके फैमिली में कोई छोटा बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को देखना चाहिए, तो आप उनको शेयर करें, आपको लगता है कि आपके आपके जो पेरेंट्स लोग होंगे जिनकी एज 60 हो चुकी है, उनको कुछ बातों को मैं उनकी उनके बारे में कुछ बात करूंगा, तो आपको लगता है कि उनको देखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सभी लोग YouTube देख रहे हैं, सभी लोग वीडियोस देखते रहते हैं, तो ये जो चैनल होगा ये आप ही का चैनल होगा, इसलिए मैं बोला कि ये आप ही का चैनल है, और ये आप ही के चैनल में मैं इस डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो मेरा मेल ID लिखा होगा इसमें, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID रहेगा, तो आपके मैं डिफरेंट टॉपिक लूँगा, आप मेरे को मेल कीजिएगा, मैं मेल को चेक करूँगा और डिफरेंट लोगों की बात को मैं अपने तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, तो अगर आपको लगता है कि सर मेरी ये बात है इस बात को रखिए और मेरे को लगता है कि वो वैलिड बात है, या बहुत सारे लोगों का कुछ कॉमन पॉइंट्स है जिस कॉमन पॉइंट्स पे बात मेरे को करना चाहिए, वो सेंसिटिव इशू भी हो सकता है जिस पे लोग बात नहीं करते, कुछ पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी मेरे को लगता है कि मैं अपनी बात रखूंगा, डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें इतना सोचने की बात नहीं है, मेरे अपने 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 थॉट है, तो मेरे को अपने थॉट को रखना चाहिए, जो भी मेरे को लगता है, कुछ एंगल पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, कुछ एंगल पे सही भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को अपने अपने पॉइंट्स तो क्लियर रखना चाहिए, ठीक है, मैं आपके पॉइंट्स भी सुनूंगा, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बोलेंगे उनका रिप्रेजेंटेटिव मैं बन के बात करूंगा, तो देखेंगे कि किस लेवल तक इस चीज़ को ले जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं इंजॉय करूंगा, क्योंकि मैं दिन भर इतने लोगों से बात करते रहता हूं, तो मैं कंटिन्यूसली डिस्कशन के मोड में रहता हूं, मेरे को पॉलिटिकल डिस्कशन भी अच्छा लगता है, वो भी वहां पे वैलिड जो पॉइंट्स होते हैं वहां पे डिस्कशन, ऐसे टाइम पास डिस्कशन नहीं, तो मैं हमेशा हर चीज में कंटेंट्स गुड ढूंढता हूं, चाहे मैं मूवी देखता हूं, चाहे मैं मैच देखता हूं, तो मैं IPL जैसे मैच नहीं देखता हूं, मैं टेस्ट मैच देख लेता हूं, मैं हमेशा गुड कंटेंट पे बिलीव करता हूं, चाहे वो पढ़ाता हूं, चाहे मैं मूवी देखता हूं, चाहे वो कोई TV देखता हूं, ओवरऑल मैं डिस्कशन भी जो करता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरे को गुड डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं गॉसिप में नहीं रहता हूं, मैं एंटरटेनमेंट में
के बेस पे नहीं रहता हूँ, मेरा थोड़ा सा अपना खुद का अलग एक थॉट प्रोसेस है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही कैरी करता हूँ अपने आप को। तो इस चैनल में मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को एडवांटेज होगा। अब मेरी प्लानिंग तो ऐसी है, देखते हैं किस वे में एग्जीक्यूट करेंगे। आज तक तो यूट्यूब में जितना भी प्लान किया हूँ सब सक्सेसफुल रहा है, तो इस न्यू जर्नी में आप लोगों का साथ चाहिए मेरे को। इस न्यू जर्नी में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहे और आपकी बातों को मैं समझूँ, आप मेरी बातों को समझें। हम लोग ट्राई करेंगे कि एक गुड कॉम्बिनेशन बना सके। डिफरेंट डिफरेंट इशू पे बात करेंगे, आपको जो भी लगे। बहुत सारे लोग ऐसा होंगे ना कि जो लोगों को लगता होगा कि उनकी कोई स्टोरी होगी तो उनकी स्टोरी वो चाहते होंगे कि सर इस स्टोरी पे बात की जाए, क्योंकि ऐसी स्टोरी बहुत सारे कॉमन लोगों की है, तो मैं उस स्टोरी पे भी बात करूँगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एकदम बिंदासी से मेरे को बिल्कुल मेल कीजिएगा। मैं उस मेल में ट्राई करूँगा कि रिप्लाई तो ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं उस मेल को रीड करूँगा, जो जो मेरे को काम के लगेंगे उन टॉपिक को मैं ज़रूर सिलेक्ट करूँगा। तो मान लीजिए कि ये चैनल मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ, आप अपने पॉइंट्स रखिए, मैं उन पॉइंट्स को लोगों तक रखूँगा और हम देखेंगे कि हम सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर सके। बाकी तो मैं अपनी क्लासेस में बिजी इतना रहते ही हूँ, मैं जितना पढ़ाना उतना पढ़ाते रहता हूँ। तो मेरे को लगता है कि जो हम अपने सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जितना भी लाइफ में जितना भी अचीव किया हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे को रिटर्न भी करना चाहिए। तो मैं एक गुड फॉर्म में रिटर्न भी करना चाहता हूँ। तो देखते हैं किस वे में कनेक्ट कर पाते हैं। मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग इन्जॉय करेंगे और स्पेशली जो इंजीनियर्स लोग हैं वो लोग तो इन्जॉय करेंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मेरे को जानते हैं। तो इस बार ना मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग होगा कि जो अननोन लोग हैं, जो मेरी क्लास में नहीं पढ़ते, उन लोगों से मैं कैसे कनेक्ट कर पाता हूँ, कैसे उनसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ। क्योंकि जिन लोग मेरे से पढ़ते हैं टेक्निकली, वो लोग मेरे को गुड फील करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो इस कारण मेरे को लगता है कि नॉन टेक्निकल भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब ऐसे लोग, एक यूपीएससी स्टूडेंट्स या एक 11-12 का स्टूडेंट जो मेरे टेक्निकल कंटेंट को नहीं जानता है, जो मेरे को ऐसे पर्सनली नहीं जानता है क्योंकि टेक्निकल नहीं जानता है, तो अब मैं अपने पॉइंट्स कैसे रख पाऊंगा और वो मेरे पॉइंट्स को कैसे देखेगा, ये सब इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते ये इंटरेस्टिंग वाला जो पार्ट होगा कहाँ तक जाता है। तो मेरे को आप लोगों का साथ चाहिए, आप जितना मेरे को सपोर्ट करेंगे उतना मेरे को अच्छा लगेगा। इतने दिन से मैं आप लोगों को इतना सारा कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा था, नॉन टेक्निकल कंटेंट्स, तो अब मैं अपनी बात यहाँ रखूंगा और गेट एकेडमी चैनल पर भी मैं आते रहूँगा, वहाँ तो मैं टेक्निकल कंटेंट देते रहूँगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि जो प्योर नॉन टेक्निकल कंटेंट से मैं इसी चैनल पे दूं, मोटिवेशन वाला जो पार्ट होगा मैं इसी चैनल पे दूं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो इन्वॉल्वमेंट रख सकूं सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, इश्यूज़ के बारे में, वो मैं इसी चैनल पे दूंगा। तो इस चैनल को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका चैनल है, तो इस चैनल को अपन बिग बनाएंगे, एक न्यू ऐसा चीज़ क्रिएट करेंगे जो कि नहीं है। मेरे को ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलता है जहाँ पे मेरे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। अगर मेरे को देखना है या मेरे को किसी की हेल्प करना है, तो बहुत सारा काउंसलिंग वाला जो पार्ट होता है वो उतना परफेक्टली किसी चैनल पे मिलता नहीं। मोटिवेशन तो बहुत है, तो एक परफेक्टली एक काउंसलिंग वाला पार्ट रखेंगे अपन, मतलब एक डिफरेंट काउंसलिंग टाइप का पार्ट रखेंगे कि लोगों की हेल्प हो सके। अब आप लोगों का साथ चाहिए रहेगा, जैसे मैं 2-3 बार रिपीट भी किया, ठीक है। तो चलो अब चैनल स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्प्रेड कीजिएगा इस चैनल को और जितना हो सके डिफरेंट लोगों से शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं एक गुड मूव चाहता हूँ, एक गुड प्लानिंग के करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को अपन अच्छा कैरी करेंगे, ठीक है। तो अब और भी बात करेंगे, तो आप मेरा ये तो एक विजन वाला मेरा ये वीडियो है, इसके बाद और भी एक आधी वीडियो आने वाला होगा, तो वो वीडियो भी देखिएगा। तो जस्ट कुछ वीडियोस आते रहेंगे और कुछ पुराने चैनल के भी कुछ वीडियोस ले लेंगे अपन, जो कि जो दूसरे लोग नहीं देखेंगे, जो दूसरे लोग नहीं देखे होंगे अभी तक, उन पॉइंट्स को भी ले लेंगे, उन कुछ वीडियोज़ को भी ले लेंगे, ठीक है। तो चलो आप लोग ऐसे इन्जॉय करते रहिए। आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर।